ठीक है वकील ने। वकील साहब ने कहा कि जमानत नहीं हो सकती। 2 दिन तक कचहरी बंद है, बापू जी की जमानत 3 दिन बाद ही हो सकती है। हुण बापू जी नूं बाहर लिआउण दा सिर्फ इक्को ही रास्ता है, जे हुण उन्हां नूं निर्दोष साबित कर दिता जावे। अपनी बेबे नूं संभाल पुत्तर, कमली हो गई है। बेबे बेबे जिहड़े सच्चे ते सही बंदे हुंदे आ ना, उन्हां नूं घबराउण दी लोड़ नहीं हुंदी। बेबे तुसीं घबराओ ना, मैं बापू जी नूं ना छेती तों छेती बाहर लिआउण लई अपनी जान तक ला देंगा। तुसीं मेरे ते भरोसा रखो। बेबे मैं 100 खाना, बापू जी किसी भी हालत च 3 दिन थाने नहीं रहेंगे। तुम्हें चेती ले। आ गया तू? की गल, तेरी शक्ल दे 12 बजे आ, 11:30 वाला फोन नहीं आया। ओए की झामे वाली शक्ल बनाई है अमन, की गल होगी? ठीक है तू? दयाल सिंह जी माफ करना, तुहाडी गिरफ्तारी दे हुक्म ने। ओए उठ, चाचा इनू थाने तो लैन चली। वीरे तू आराम कर, तेनू आराम दी सख्त लोड़ है। ओ जे तू मदद करना ही चाहना है ना, चेते करके दस उस रात होया की सी, किने तानू दारू पिलाई सी? दारू तां मैनू कुकू ने पिलाई सी। कुकू दस वीरे, कौन सी वो बंदा, किधर तो तू दारू ली सी? साइकल ते सी बंदा, पहला कदे पिंड च वेख्या नहीं उन्हूं। ओ दिखण च किद्दां दा सी? कुकू ओ दस वीरे, ओ दिखण च किद्दां दा सी? ओ मेरे बापू जी दी इज्जत दा सवाल है, कुछ दा दस, चेते कर। मूंह तो ओहदा मैं पछाण नहीं सकिया, उहने बुक्कल जी मरी होई सी, साइकल ते कुछ बोरियां टंगियां हुई सी उन्हें। अमन मेरा सुन, इनू बुला ला, इनू नहीं तो इहदी हालत होर खराब हो जाणी। तू पंज कर, तू बाहर बैठ, मैं देखदा इनू। मूंह तो मैं पछाण नहीं सकिया, बुक्कल जी मरी हुई सी, साइकल ते कुछ बोरियां टंगियां हुई सी उन्हें। पक्का उसी बंदे की गल कर रहा ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰਿਆ ਸੀ? ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਇਸ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦਾ। ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਜੁਗਾੜ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ 2 ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਵਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਕੜ ਵੀ। ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਰੋਂਦਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਅਮਨ ਤੇ ਅਮਰੀ ਚਾਚੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਭ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਹੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ? ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭੁਗਤੋ ਵੀ ਆਪੇ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਬੈਠ ਜਾਈਏ? ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿਆਲ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਗਤਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ। ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ।
वेख लो बापू समझदी नहीं मैं तेनू किन्नी बार कहा है हथों निकलती जा रही है यदि अजकल अमन तो घर बड़ी हमदर्दी है कोई गल नहीं थोड़े दिन च मुंडे वाले आ रहे ने वेखण नू तू फिक्र ना कर सब ठीक हो जू ठीक है पर तू इस गल का ध्यान रखी साढ़े खिलाफ किसी नू भी कोई सबूत नहीं मिलना चाहिए मैं सब सामभ लिया बापू तू घबरा ना हूँ तक तो नकली जहरीली दारू तो दारू देने वाले बहुत दूर निकल गए होने हूँ किसी के हाथ कोई सबूत नहीं लगना बापू जी असं किसी भी हाल के उस आदमी लभ लवेंगे अमन तू मैनु सही सही उस बंदे का हुलिया दस सकता क्योंकि पिंड होर किसी ने मूँह नहीं वेख्या सारे यही कह रहे थे कि उन्हें मूँह ढकया है तकरीबन 30-35 साल का सी जी रंग कणक विन्ना सी ते लंगड़ा के तुर रहा सी असी उस बंदे नू लभण दी पूरी कोशिश करांगे पर जे सरपंच साहब नू फसाउण दे इरादे नाल किसी ने काम किया तो हुण तक तो वह बंदा बहुत दूर निकल गया होया थानेदार साहब उस बंदे नू तो फड़ना पैना क्योंकि इक्को एक रास्ता जिहदे नाल बापू जी बाहर आ सकदे ने नहीं तो उन्हां दी 3 दिनां तक जमानत नहीं होनी ओए अमन पुत तू ज्यादा घबरा ना वह मैं ठीक है इत्थे किहो जिहियां गल्लां कर लो तुसी जेल चो ते कह रहे हो मैं ठीक हाँ ओ अमन दी बेबे तू इत्थे ओ वीर जी इहनू इत्थे क्यों लैके आए हो मैं तो बड़ी समझाउण दी कोशिश कीती सी दयाल सिंह पर इह मन्नी नहीं क्यों मानदी मैं तुसी जेल चो ते मैं घर बैठी रहिंदी मेरे ते दिल नू हाल पैंदे सी वो इन्हें तो रोटी की एक ग्राई भी नहीं खाधी तो ना एक घुट पानी का पीता वेखा रो रो के किन्ना हाल बुरा कर लिया ने अपना मैं की करता मैं इतों तो यदि यह हालत वेखी नहीं गई तो मैं इन्हू ना ले आया बापू जी ओ बापू जी मैं तो अज पता लगा बेबे तुम इन्ना प्यार कर दिया ओ तुहाडे तो बिना एक घुट पानी भी नहीं पीता इन्हू कहिंदे ने सच्चा प्यार अमन पुत ये सब वखावा वा वखावा ताइयों तो डब्बा नाल चुकी फिरती है कि जिहड़ियां रोटियां सड़ गईयां सी वो खांदा कौन इसे करके सारा कुछ नाल लै आई आ थानेदार साहब जे तुहाडी आग्या होवे तां इन्हां नूं रोटी ते कंबल दे दईए सी हाँ जी हाँ जी दे दिओ हवलदार दरवाजा खोल दिओ आले फड़ दे अफसर दूर निकल गया मैं उस तो पहला उन्हें फड़ना मैं चलदा मेनू खेलन भी नहीं दे रही खाला असा एजिया कुछ भी नहीं किया ओ, असा ता आपा नू लब्दे पैसा एक सवाल हर कलर नहीं मदद चाहिदी सी तेनू लवे मौला एक बगीचा जिथे टहलन आई है चल जा अपने घरे एक कट सी मेरी जी दा जंजाल जड़ी एक होर आ गई है आदाब मिल लो नाले जिन्ना मिलना वैसे भी आपा इत्थे कुछ ही दिनां दी मेहमान है ते फिर आपा इत्थों फिर रिश्ते भी आने शुरू हो गए ने वैसे तां फिर अम्मी जाने ने भी इत्थे नहीं दिखना ऐना वधिया रिश्ता आया ए नहीं कि हाँ कर देवा निकाह दी उम्र लंगी जा रही है समझ ही नहीं आ रहा इस दे खराब खाने च चल की रहे मेरी तो नक च दम करके रखे इस बला ने खाला तुसे समझदे क्यों नहीं पाए असादी उम्र सिर्फ महज 19 साल दी है
असा तालीम लेके जिंदगी दे विच कुछ करना चाहुंदे आ। जदो वेखो तलीमा दी रट ला के रखी है अपने लेख चंगे समझ के एना वड्डा दौलतमंद रिश्ता अपने घर चल के आया। 19 साल दी हो गई है, घर तो सांभ हुंदा नहीं तुसा कोलो, हुण केड़ा पढ़ के सरकारी मुलाजम लग जाना। इसलिए तो खाला मैं तुसानू कहंदी पई आ कि असां को ते घर संभाल लिया नहीं जांदा, ए तुसाने ते अपने मुंह ही कह दिता है, फिर असां दा निकाह क्यों कर रहे हो? बोलो ना खाला। कमाल है आपा, तुसा ता गल्ला गल्ला इच खाला नू चुप करा दिता। वैसे केड़े रिश्ते दी गल हो रही सी? फारूक दी, फारूक दे घर रिश्ता आया है। फारूक कौन आपा? मजहब दा भरा। उस घर विच हजे एक सबक नहीं सिखिया जो उन्हां नाल एक होर रिश्ता जोड़ दे पाए ने? मानो फारूक एवें दा नहीं है, उसने मजहब दी गलती लई असां तो माफी भी मंगी सी, गल्लां तो ता समझदार लगदा सी पर असां निकाल ही मना कर दिता। अबू जान नूं दस्या सी इसलिए खाला ने मना कर दिता है। ओ इसलिए खाला गुस्से च ने? बानो आले कर दिती तेरी मुश्किल हल। मेरी मुश्किल ता हल हो गई पर टेलीफोन दी मुश्किल हल होई? तो सामन भाई जानू टेलीफोन किता, इस रिश्ते बारे दस्या? इस दा उस नाल की मतलब है? मतलब क्यों नहीं है, जदो मेरे निकाह दी गल होई सी ता तुसा उन्हां नू दस्या सी ना, ओ ता मैनू जानदे भी नहीं सन, ता ओ ता तुसा दे दोस्त ने, फिर तुसा नू अपने रिश्ते बारे ता दसना चाहिदा है ना? असा नू लगदा नहीं दसना चाहिदा। पर असा नू लग रहा है कि दसना चाहिदा है, और तुसा भी दसना चाहंदे हो? नहीं। हां नहीं बानो। हां पा बानो नहीं। चाचा जी, वीरे वीरे तुसी किसे लंगड़े आदमी नू देखया? चाचा जी, ओ तुसी किसे लंगड़े बंदे नू वेख्या राती साइकिल ते बोरियां चुकी फिरदा सी? ना जी देखे। पाजी पाजी, ओ तुसी किसे लंगड़े बंदे नू वेख्या राती साइकिल ते बोरियां चुकी फिरदा सी? ओ किसे ने ता वेख्या होगा, ओ मेरे बापू ते झूठा इल्जाम लगा है। वीरे वीरे ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੰਗੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਰਾਤੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਬੇ ਮੈਂ 100 ਖਾਣਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। पता नहीं क्यों बेचैनी जी हो रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला। बाबा जी, बापू जी तो इन्ने साहू ने, कदे किसे बारे गलत नहीं सोचे। इस औखी घड़ी दे विच किसे नेक बंदे दी अरदास ही सुन लो, कृपा करो बाबा जी। पता नहीं क्यों कल रात दा संदचित बेचैन जा हो जा रहा, अल्लाह तो सब लिए दुआ मांगते हैं, अल्लाह सब खैरियत रखे। बाबा जी, मैं पहली बारी वेख रहा कि मेरा पूरा परिवार इस औखी घड़ी दे विच भी
एक दूजे नाल इंज प्यार नाल खड़ा। मैं तुहाडे अगे अरदास करदा कि सच्चा सुच्चा प्यार साडे दिल विच हमेशा बनाई रखियो। इंस्पैक्टर साहब, वो कुछ लंगड़े बंदे का पता चलिया? अजे तक तो कुछ पता नहीं लगा, असीं अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। छेती फड़े जाओ। फड़िया कद जाऊ, तुम चंगी तरह पाल ही नहीं रहे, नहीं तो एक निके जे पिंड एक बंदे लभना औखा नहीं, इन्ना टाइम तो नहीं लगता एक बंदे लभन लई, तुम चज ने लभ ही नहीं रहे। अमन दी बेबे तू चुप कर, इन्हां नूं अपना काम कर दे, ये अपनी कोशिश कर रहे हैं ना। ओ दयाल सिंह तू गुस्से ना हो, मैं अमृत नूं घर लै चलदा हां। चल सीए आपां घर चलदे हां, अमन हैगा ना इत्थे, सब वेख लूगा। बेबे तुसीं घर जाओ, मैं हैगा बापू जी कोल, तुसी चिंता ना करो, तुसी घर जाओ। हाँ वीर जी जाओ, तुसी इहनू घर लै जाओ। चल मेरी धी, चल घर चलते हैं। जाओ बे। कुछ तो करना ही पैना है, मैं बापू जी नू इदा जेल विच नहीं वेख सकता। वो तो गुस्सा ना कर अमन, तू जा घर जा, ते अपने बेबे ते ताया जी का ख्याल रख, बाकी ये आपे सब कुछ कर रहे हैं, लभ जूगा जल्दी बंदा। तुसी बिल्कुल भी ना घबराओ, असी छेती तो छेती उस बंदे नू फड़ लवांगे, तुसी जाओ। थानेदार साहब इन्हां दे कपड़े। चंगा बापू जी मैं चलदा। हाँ पुत जा। तू इत्थे की कर रहा? जे आपां नूं किसी ने देख लिया तो नवा पंगा पैजू। जिहड़ी कीमत तू मैनूं दित्ती है ना उस काम लई, वो बहुत घट है, मैनूं होर चाहीदी है। सिद्धा हो के मेरी बनदी कीमत दे, नहीं तो ढोल बजा के दसूं सारिआं नूं कि इह दारू वाला कांड किन्ने करवाया। तैनूं क्या सी ना दारू दा काम होण तों बाद तेरा इत्थे परछावां तक नहीं दिखना चाहीदा। वो पहलां मैनूं इह नहीं सी पता ना कि खेड इन्नी वड्डी है, हुण वड्डी खेड नूं विच विचाले छड के किवें जांदा। हुण तू चाहुंदा की है, तेरा कहण दा मतलब की है? वड्डा खेड वड्डी कीमत। चल ठीक है, दो घंटा तक मिली मिल जू तेरी तेनू बनती कीमत, पर हुण तू इत्थे तित्तर हो जा। ठीक है फिर, नहीं तो मिलू दो घंटे। ये सब राजू की करतूत है, इन्हें दयाल चाचा जी ने फसाया। वकील साहब असा परेशान हाँ कि जो असा दे परिवार को पता लगेगा कि यह मकान कदे भी खाली करना पै सकता है तो इन्हों पर की बीतूगी, कोई हल लभ्या तो सानू? असा बहुत कोशिश की थी, पर होना उही है जो नदीम कह रहा है, नहीं तो यह घर तुसा कोलों कदे भी वापस लै सकता है। तुसा उस नाल गल की थी? गल तो की थी, वो 5 लाख रुपया मंग रहा है, इन्नी रकम असीं कित्थों दवांगे? असा तुसा दी परेशानी नूं समझ सकदे। केड़ी परेशानी? कुछ नहीं, असा तां वैसे ही गल कर रहे हैं। तुसा बाहर क्यों? मैं तुसा दी शहजादी नूं लभ रही सी, पता नहीं किधर चली गई। बानो दा मसला हजे ठंडा ही होया ते इसने फिर आवारागर्दियां शुरू कर दित्तियां ने। ए नहीं कि घर बैठ के कोई काम कर लवां। असा कह रहे हां फारूक दे रिश्ते लई मन जाओ, एहो जे रिश्ते रोज रोज नहीं आंदे। बेगम जरीना कह तां रही है कि उन्हें हजे निकाह नहीं करवाना, बस गल खत्म। ये गल बार बार करन दा मतलब की है? हाँ जी वकील साहब, हाँ जी ठीक है, एक घंटे तक मैं सारे कागज इकट्ठे करके तुहानू मिलदा। हाँ जी शुक्र है रब दा तू घरे मिल गया, मैनू लगे सी किते पुलिस थाने ना गया होवे। सुन मैं तेरे नाल बहुत जरूरी गल करनी है। लवली इस वेले मैं बहुत परेशान हाँ, तू बाद विच दस दे। बेबे बहुत ज्यादा परेशान ने, ते बेबे ते ताया जी हुणे गुरुद्वारे गए, मैनू तां
ये नहीं समझ आ रहा कि साढ़े नाल की हो रहा है क्यों हो रहा है। मेरा दिमाग ठिकाने ते नहीं है। वो बापू जी जिन्होंने सारी उम्र अपने पिंड दे लेखे ला दी वो जेल च ने। मैनू बाबा जी दी सो एक बारी मैनू पता लग जाए ये पिछे कौन आ मैं उन्हें फट के रख दू। हाँ जी जनाब मैं वो वाला कागज भी लभदा तो तुहानू मिलदा। अमन मेरी गल तो सुन बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है मैं तेरी गल सुन रहा वा मेरे पिछे पिछे ना घूम मैं आ कागज एक घंटे दे विच विच वकील साहब कोल पहुंचाने ने। मेरी गल ध्यान नाल सुन मैं चाचा जी बारे गल करना ही है। हाँ बोल छेती बोल देर ना ला। मैं जद सुरजन नु वेख के वापिस आ रही सी तब मैं किसी दे मुंह ये कहंदे होए सुनया सी कि ओ लंगड़ा बंदा ना दो घंटे बाद पिंड वाली फिरनी ते आऊगा। कौन सी ते किथे वेख्या किथे सुनया